सभी को जोहार आबुति सिंह अमरुद बगान बेटा अली सत्य समाज अमरुद बगान रे ना वो कलमी चिलके वो कलमी है किस तरह हम लोग कलमी करते हैं उस चीज को देखेंगे दिले अब सब कुछ तैयार ब्लेड रे बारह छुरी रे सब कहते नहीं ना वो चिलका वो बाड़ी इनका बहुत अच्छा जगह में इस तरह आप इस तरह करेंगे इस तरह करके कम से कम तीन अंगुल का फासला होना चाहिए तीन अंगुल फासला दूरी होना चाहिए वहाँ से इस तरह कर दिए और इसको इस तरह से छीलिए मिल कबू ओचो तो सप्पा ले वो ठीक है नहीं ना ना नहीं ना जो का रूटेक्स वो है मैं रूटेक्स रूटेक्स रे पाउडर नहीं ना निक कहते तो लेते वो ये पाउडर लगाने से जल्दी आपका झड़ आएगा ठीक है इस तरह लगा दिए उसके बाद आपको थोड़ा इस तरह मिट्टी बनाइएगा ठीक है एकदम हसब ये कहते हैं नबू निकलता निकायबू ठीक है इनकन प्लास्टिक में इस तरह प्लास्टिक प्लास्टिक से हम लोग इस तरह बांध दें सूता नहीं होकर कैसे आप कपड़ा से बांध सकते हैं रेडी रेडी है रेडी हो गया है ना ये आपका एक महीना के अंदर आ जाएगा जड़ ठीक है तो इस प्रकार आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे हमेशा देखते रहिएगा जोहार अब वो है बगान को हाँ देखिए यानी नहीं लिया वो निनको अब ना अब कलमी के लिखा तो कलमी लेते कि ना रुआ कदा इसी प्रकार हम कलमी करते ये सब लगाए हैं आइए देखते हैं सारा ये सब कलमी करके लगाए हैं ज़्यादा तो नहीं है कम से कम अभी हमारे पास 50 अमरूद का पौधा है सब ये सब कलमी वाला पौधा है सब भी ना अब कलमी के तक रोआ का डबू ना मिलता है अब अमरुद बगैर 50 में ना हाँ ले ले अब ना लेना तो अब जेंगा थे अमरुद यानी लाल लाल दिखता है जो अमरुद वही है अब नील का गे अब जो यार मरंग मरंग जो नहीं नेत्र मरंग जो आधा किलो 800 ग्राम 900 ग्राम एक किलो तक फल जाएगा नींबू कलमी पौधा हुआ अमरूद पौधा हुआ अनार पौधा हुआ जो भी हो जरूरत पड़ेगा तो हमसे संपर्क कीजिए मेरा मोबाइल नंबर है 9693002504